हेलियोस, जिस ब्लेडर को हम द ब्लेडर ऑफ सन के नाम पे भी जानते हैं, जो कि हमको बेब्लेड मेटल फाइट की मूवी द सोल ब्लेज में हमको दिखाई गई थी। और ये ब्लेडर काफी ताकतवर ब्लेडर हमको दिखाया गया है, जो कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देता है। आज हम इस ब्लेडर के बारे में कुछ 5 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं, जो कि आपको सुनने के बाद सच में शॉक करके रख देगा। तो चलिए गाइस, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपने इस अमेजिंग से फैक्ट वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 5, ग्रीक माइथोलॉजी के सन गॉड हेलियोस के नाम से इंस्पायर होके हमारे द ब्लेडर ऑफ सन जो हेलियोस है उसका नाम दिया गया है, जो कि हमको मूवी में अटलांटिस साम्राज्य का एक वंशज दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 4, सोल ब्लेज बेब्लेड को लेने से पहले हमारा हेलियोस जिस बेब्लेड से अपनी बेब्लेड ट्रेनिंग किया करता था, उस बेब्लेड का नाम है पाइसिस DF-14-5BS। इसलिए ही हमको मूवी में दिखाया गया था जब रियु थारो का पाइसिस हेलियोस के सोल ब्लेज के साथ बैटल कर रहा था, तब रियु थारो ने उसने अपने इल्यूजन में फंसा लिया था डिस्ट्रक्शन डाइव के साथ, जो कि उसका स्पेशल मूव है। लेकिन हेलियोस ऑलरेडी पाइसिस के साथ प्रैक्टिस करता था, इसलिए हेलियोस को पता था कि ये सब एक नकली इल्यूजन है, इसलिए वो उससे बहुत ही जल्दी निकल आ पाया, जिससे कि झिंगा को निकलने में बहुत टाइम लग गया था मेटल फ्यूजन के सीरीज में। फैक्ट नंबर 3, झिंगा हगाने का जो गैलेक्सी पेगासस है उसका हालत 2 बार खराब हो गया था, मतलब 2 बेब्लेड्स ने उसका हालत बिल्कुल खराब कर दिया था। ऐसा एक डैमेज आप देख सकते हो स्क्रीन पे, बिल्कुल ऐसा डैमेज कर दिया था। सो उसमें से जो फर्स्ट बेब्लेड था वो था सोल ब्लेज। ये आपने मूवी में देखा ही होगा कि सोल ब्लेज ने ही आके झिंगा के जो गैलेक्सी पेगासस को अपने स्क्रॉचिंग स्पेशल मूव ब्लेज एग्जीक्यूशन के जरिए पूरा बुरा हाल कर दिया था, और बहुत सारे क्रैक भी आ गए थे पेगासस में। इसके बाद भी झिंगा का पेगासस का यही हाल दोबारा हुआ था जब वो हेडी सिटी में बेब्लेड मेटल मास्टर सीरीज में ट्विस्टेड टेम्पो के जो स्पाइरल फोर्स था उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, तब भी उसका कुछ ऐसा ही हालत हो गया था। लेकिन सबसे पहले ऐसी हालत झिंगा की बनाई थी हेलियोस ने ही, उसके सोल ब्लेज ने ही झिंगा के गैलेक्सी पेगासस को ऐसा हाल बना लिया था। मतलब आप समझ ही सकते हो कि सोल ब्लेज बेब्लेड कितना ज्यादा ताकतवर बेब्लेड है। फैक्ट नंबर 2, आप लोगों में से ज्यादातर लोग तो यही सोचते होंगे कि हेलियोस को सोल ब्लेज मूवी के अलावा हमको कोई भी सीजन में नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। हमको हेलियोस को एक सीजन में दिखाया गया है, एंड उस सीजन का नाम है सोगेन स्टील। अगर आपने सोगेन स्टील नहीं देखा है तो देख लीजिए गाइस। सोगेन स्टील के लास्ट एपिसोड के लास्ट पार्ट में हमको ये दिखाया गया है, जो हेलियोस है वो रशियन टीम को ज्वाइन कर लिया है। रशियन टीम जो बेब्लेड मेटल मास्टर में हमको दिखाया गया था, जिस टीम का नाम है लवुस का, उस टीम में हेलियोस ज्वाइन कर लिया गया है, ऐसा दिखाया गया है हमको। तो आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, उसके साथ साथ विकी फैंडम ने भी ये चीज कंफर्म किया है कि हेलियोस लहूस का टीम ज्वाइन किया है। सो आई थिंक ये फैक्ट सुनने के बाद आपका ये समझ आ चुका होगा कि हेलियोस को सिर्फ मूवी में ही दिखाया नहीं गया, इसके साथ साथ उसको सीरीज में भी दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 1, बेब्लेड के सोल ब्लेज मूवी में आप लोग जितने भी लोग हेलियोस के फैन हो, आप लोग चाहते हो कि हेलियोस के साथ रायुगा का बैटल एक बार जरूर हो, हमें देखना है कि उनमें से कौन जीतेगा। लेकिन जो सोल ब्लेज मूवी में हमको एनिमे में दिखाया नहीं गया है रायुगा को उस मूवी में, लेकिन मैं बता दूं उस मूवी का जो मांगा है, उस मूवी में हमको रायुगा के साथ हेलियोस का बैटल दिखाया गया है, और उस बैटल का जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता, मैं आपको उस मांगा एक्सप्लेनेशन का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप वहाँ से जाके उस एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिलेगा। तो जी हाँ गाइस, यही फैक्ट है कि रायुगा के साथ हेलियोस बैटल कर चुका है, और अगर आपको विनर कौन है ये जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक में जाके क्लिक करना है और आपको वो वीडियो भी देख लेना है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको ऐसे ही बेब्लेड से रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट एंड फैक्ट चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, और हमारे 4K सब्सक्राइबर्स भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, बस 50 सब्सक्राइबर्स ही बाकी है। तो जल्दी से जल्दी हमारे 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, उसके बाद मैं सब्सक्राइबर्स को अनहाइड कर दूंगा।
तो जितने भी न्यू लोग मेरे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड पास वाले बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर देना एंड चाहो तो हमें इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी फॉलो जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मिलेंगे एक और न्यू एंड अमेजिंग वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टिल देन एंड गुड बाय।